हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाओं की नाभि बाहर की ओर निकल आती है, इसे हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इसमें पेट और पेल्विक के हिस्से में ज्यादा दबाव महसूस होती है, खासकर खांसने और छींकने के वक्त उन्हें थोड़ी थोड़ी पेन भी महसूस होती है। उन महिलाओं की पेट फूली फूली नजर आती है, पर हम अम्बिलिकल हर्निया को प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं। वह कैसे? योगासन करके। इसलिए दोस्तों, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत सारी योगासन लाई हूँ। आप रोज योगासन करिए और अम्बिलिकल हर्निया जड़ से दूर कीजिए। आइए दोस्तों, योगासन देखते हैं कि अम्बिलिकल हर्निया करने के लिए हमें कौन कौन सी योगासन करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप नियमित योगासन करेंगे और अपनी हर बीमारी को अपने आप से दूर करेंगे। नी फोल्ड करके सोल्स ज्वाइंट करके बैठें, हाथों से पैरों की पंजों को पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें, यह है बदकुनासन या बटरफ्लाई। अम्बिलिकल हर्निया का रिलेशन हमारे पेल्विक मसल से है। बदकुनासन से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह अम्बिलिकल हर्निया को दूर करने में बदकुनासन बहुत ही ज़्यादा सहायक है। रोजाना सुबह शाम 5-5 मिनट बटरफ्लाई जरूर करें। पेल्विक ऑर्गेन्स में स्ट्रेंथ मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी और नाभि अपनी सही पोजीशन पर आएगी। बटरफ्लाई की तरह तेजी से मूवमेंट दें, धीरे धीरे नहीं, तेजी से मूवमेंट देना है। गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, कुछ देर रुके, सांस भरते हुए ऊपर उठें। 2 से 3 बार इसे दोहराएं। एब्डोमिनल ऑर्गेन्स में दबाव पड़ेगी और अम्बिलिकल हर्निया ठीक होगी। थोड़ी देर पैरों में स्ट्रेचिंग्स दें। आगे करेंगे पश्चिमोत्तासन। पैरों को पैरालेल रखें, इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्जेल के साथ धीरे धीरे सामने बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर इसी पोजीशन में ब्रीथ को होल्ड रखने के बाद इनहेल के साथ अपनी हेड और हैंड को ऊपर उठाएं और एक्जेल के साथ हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। 3 से 4 बार इसे अवश्य दोहराएं। पश्चिमोत्तासन अम्बिलिकल हर्निया को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। नाभि हमारी अपनी सही पोजीशन पर आती है, क्योंकि इस पोज से हमारे पेट पर बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस होता है। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करके राइट लेग की थाइस पर रखें। राइट लेग की टोज को राइट हैंड से सामने से पकड़ें। लेफ्ट फुट की टोज को लेफ्ट हैंड से पीछे से पकड़ करके इनहेल लें और एक्जेल के साथ सामने झुकें। हेड को नीज पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। इनहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं, एक्जेल के साथ लेग को वापस फ्लोर पर लाएं। दोनों पैरों पर इस पोज को दोहराएं, इसे कहते हैं हाफ लेग्ड फॉरवर्ड बेंड। ये सभी पोज हमारी नाभि पर विशेष दबाव डालता है। नाभि अंदर की तरफ जाती है और अम्बिलिकल हर्निया दूर होती है और साथ में सभी तरह के यूट्रस डिसीज भी दूर होते हैं। पैरों को फोल्ड करके वज्रासन की पोज में बैठें, पेट को अंदर की तरफ खींचें। पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए अपनी हथेलियों से नाभि के पास प्रेस करें, इनहेल लें और एक्जेल के साथ सामने झुकें। ब्रीथ को होल्ड रखें। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं, एक्जेल के साथ हाथों को वापस लाएं। मंडुकासन के बाद चाइल्ड पोज, वज्रासन में बैठते हुए इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्जेल के साथ धीरे धीरे सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें।
जितनी देर तक आप सांस को रोक सकती हैं उतनी देर तक सांस को रोक करके इसी पोज में रहें। नाभि अपनी पोजीशन में आएगी। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपने हेड और हैंड को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। 2 से 3 बार तक इस पोज को जरूर दोहराएं। ये सभी पोज हमारे नाभि को अंदर की तरफ प्रेस करके उसे अपनी पोजीशन में लाने में मदद करता है। इस तरह यह अम्बिलिकल हर्निया को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। आगे है सुप्त वज्रासन। दोनों घुटनों को थोड़ी डिस्टेंस में रखें और दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर टिका करके धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं और हाथों को अपनी थाइस पर रखें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इस पोज से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गेन्स में तनाव महसूस होती है और नाभि अपनी पोजीशन में आती है। 2 से 3 बार तक इसे दोहराना है। अम्बिलिकल हार्निया में फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड दोनों करना है, इसलिए सुप्त वज्रासन भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेल्दी रहना है तब आप सभी पोज करें, क्योंकि आपकी अम्बिलिकल हार्निया ही नहीं बहुत सारी रोग दूर होगी। आपको अपने लाइफ में डॉक्टर के पास प्लेट करके जाना नहीं पड़ेगा। योगासन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और ऑक्सीजन की फ्लो को इम्प्रूव करता है। अब है पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड करके ऊपर उठाएं, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ करके चेस्ट के पास प्रेस करते हुए इनहेल लें और एक्सहेल के साथ नाक से घुटनों को टच करें। इनहेल के साथ हेड और लेग को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार तक इसे जरूर दोहराएं। हाँ दोस्तों, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, पर आपको सभी पोज धीरे धीरे ही करना है। सभी पोज मिनिमम 3-3 मिनट तक तो जरूर करना है, यानी हमें मिनिमम 1 आवर योगा जरूर करना है। यह है 1 लेग्ड गैस रिलीज पोज। इसमें भी आपको पवन मुक्तासन की तरह गहरी सांस भरना है और एक्सहेल के साथ नाक से घुटनों को टच करना है। इनहेल के साथ हेड को वापस फ्लोर पर टिकाना है। कम से कम 3 मिनट तक इस पोज को भी करें। अब पैर को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर उठाएं और हेड से घुटनों को टच करें। सभी पोज पवन मुक्तासन की तरह इनहेल और एक्सहेल के साथ ही करना है। आगे है बोट पोज यानी नौकासन। सांस भरते हुए अपनी बॉडी और लेग को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड रखें। आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी इस पोज में कर सकती हैं। सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर आएं। नौकासन भी 2 से 3 बार जरूर दोहराएं। नौकासन नियमित करने से सभी तरह की हार्निया दूर होती है, नाभि अंदर की तरफ आ जाती है। आगे है सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, हाथों को हिप के नीचे ले जा कर के फिंगर्स को इंटरलॉक करें। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर आएं। सभी योगासन 2 से 3 बार तक जरूर दोहराएं। सेतु बंधासन से हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस पोज से पेट पर खिंचाव महसूस होती है और हमारी सभी तरह की हार्निया दूर होती है। जिन्हें हार्निया हुई है वे लोग भारी वजन ना उठाएं, क्योंकि भारी वजन उठाने से हार्निया और बढ़ जाती है। सभी योगासन दिल लगा करके आराम आराम से करें। अब है फुल विपरीत करने। हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को अपनी हेड की तरफ बेंड करें। यह है फुल विपरीत करने। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में रहें, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को अपनी हेड की तरफ बेंड करते हुए फ्लोर पर ले जाएं। यह है हलासन। यह पोज हार्निया को दूर करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस पोज से हमारी नाभि अंदर की तरफ प्रेस होती है और हार्निया दूर होती है। 2 से 3 मिनट तक इसी पोजीशन में रहें। अगर हमें किसी भी रोग को दूर करना है तब हमें हर पोज में टाइम जरूर देना है, तभी हम किसी भी रोग से छुटकारा पा सकते हैं। पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं
और फोल्ड करते हुए वापस फ्लोर पर लाएं। हलासन के बाद हम करेंगे उत्तान पादासन। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, ब्रीथ को होल्ड करें। जितनी देर तक सांस को आप रोक सकती हैं उतनी देर तक सांस को रोकें। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को फ्लोर पर लाइए, फिर से दोहराइए। इसकी स्टेप्स है इनहेल होल्ड एक्सहेल, यानी सांस की पैर के साथ स्टेप्स। किसी भी पोज को करने के लिए हमें सांस पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि योगासन नॉर्मल ब्रीदिंग्स में कभी नहीं होता है। आगे है मरकटासन यानी मंकी पोज। राइट लेग को ऊपर उठा करके फैली हुई लेफ्ट हैंड की हथेली के पास लाएं और हेड को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करें। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में रहें। पैर को वापस फ्लोर पर लाएं। दोबारा इस पोज को देखें। राइट लेग को ऊपर उठाएं, लेफ्ट हैंड की हथेली के पास लाएं, हेड को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करें। मरकटासन आप नॉर्मल ब्रीदिंग्स में भी कर सकती हैं या इनहेल और एक्सहेल के साथ भी कर सकती हैं। अब मैं सांस के साथ बताती हूँ। सांस भरते हुए लेग को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए हथेली के पास लाएं, हेड को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करें, ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ लेग को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ फ्लोर पर लाएं। इस पोज से हमारे बॉडी में ट्विस्ट होती है, जिसके कारण नाभि पर विशेष दबाव पड़ता है और नाभि अंदर की तरफ चली जाती है और सभी तरह की हार्निया दूर होती है। अब करेंगे जानुशीर्षासन। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ सामने बेंड करें, हेड को घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को थाइज के पास लाइए। आपको धीरे धीरे करना है, 2 से 3 बार तक इसे दोहराइए। हेड को घुटनों पर टिका करके जितनी देर तक हम सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक सांस को रोक करके इसी पोज में रहें। धीरे धीरे आपको सभी पोज करना है। अब करेंगे त्रिकोणासन यानी ट्रायंगल पोज। पैरों को डिस्टेंस में रखते हुए इनहेल के साथ हाथों को फैला करके ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए झुकते हुए लेफ्ट हथेली को राइट लेग के फुट के पास रखें। इनहेल के साथ ऊपर उठें, एक्सहेल के साथ हाथों को वापस लाएं। इसमें जब हम झुक रहे हैं तो राइट हैंड को लेफ्ट फुट के पास लाते हैं। अपोजिट हैंड हमारी ऊपर की तरफ रहेगी और हेड हमारी पीछे की तरफ। इस पोज को आप देख करके भी सीख सकती हैं। सभी पोज 2 से 3 बार जरूर दोहराएं, क्योंकि यह सभी पोज हार्निया को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। बस ध्यान रहे कि हमें सांस छोड़ते हुए ही आगे झुकना है और इनहेल के साथ ऊपर आना है। ये सभी योगासन बहुत सारी बीमारियों को एक साथ दूर करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप नियमित योगासन करेंगे और इस बीमारी को अपने आप से दूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।